नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। तो भाई आखिरकार क्यों इस वक्त सोशल मीडिया पे छा गए भाईजान सलमान खान? आखिरकार ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जिसकी वजह से #8 years of splendid की छाया हुआ है? तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। भाईजान सलमान खान जिन्होंने कल के दिन एक बड़ा खुलासा किया कि मैं अपनी फिल्म भाईजान के बाद, कभी कभी दिवाली जिसका नाम था पहले, उसके बाद अब भाईजान है, उसके बाद मैं जो फिल्म करूंगा वो होगी नो एंट्री 2। अब दोस्तों नो एंट्री बहुत ज़्यादा हिट फिल्म रही थी, हम सबको पता है, और सलमान खान साहब अगर नो एंट्री 2 करेंगे तो वो एक अलग सोने पे सुहागा होगी। ऐसे में आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तो अब किक को, जो सलमान खान जैकलिन फर्नांडिस की फिल्म थी और इस फिल्म के अंदर रणदीप हुड्डा ने अच्छा काम किया था, और आप लोगों को बता दूं दोस्तों तो मिस्टर साजिद नाडियाडवाला ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था, डायरेक्ट भी किया था, उनकी ये पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी। तो इस फिल्म को 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जी हाँ, इस फिल्म को 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 8 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके तहत फैंस ने सोशल मीडिया पे इस वक्त बवाल मचा रखा है। 8 years of #8 years of splendid kick इस तरीके से ये हैशटैग सोशल मीडिया पे बवाल मचा रहा है। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये अभी जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं इंडिया ट्रेंडिंग लिस्ट पर है दोस्तों, और इंडिया ट्रेंडिंग लिस्ट में ये धमाका भी मचा रहा है। ऐसे में जब सलमान खान साहब ये बात कर रहे हैं, मतलब कि 8 years अब ये जो ट्रेंड हो रहा है इस पे फैंस का प्यार तो बनता ही बनता है, और ऊपर से सलमान साहब ने जो ये गुड न्यूज़ दे दी हमें कि मैं किक जो है किक टू नहीं करके बल्कि मैं जो है ये वाली फिल्म कर रहा हूँ, यानी कि जिसका नाम है नो एंट्री 2, तो भाई बवाल तो बनता है। आपको क्या है कहना इस बारे में कॉमेंट करके ज़रूर बताना। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, बाय।